Everybody, today topic is enzyme and its function. What is enzyme? Enzyme are biological catalyst. They catalyze a catalyst is defined as a substance that increase the rate of the chemical reaction without being itself changed. क्या है enzyme? Biological catalyst है. और enzyme क्या करते हैं? Speed up करते हैं मेटाबॉलिक रेट को. और ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये रिएक्शन को कैटालिस्ट करते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन अपना खुद इटसेल्फ क्या होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, केमिकली वो स्टेबल रहते हैं, उनके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं होता है. मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरीके की होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म. ये दोनों तरह के रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालिस्ट करते हैं. कैटाबॉलिज्म क्या है, जब एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं. हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन जो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस. इसी तरह से क्या होता है, जो एनाबोलिक रिएक्शन होती है, एनाबोलिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है. और ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एग्जांपल है जैसे कि कंडेंसेशन रिएक्शन, ये क्या होती हैं, ये एनाबोलिक रिएक्शन की एग्जांपल हैं. इसी तरह से एंजाइम एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. एंजाइम आर प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. दे कैटालिस्ट नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी. एंजाइम हैव यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप्स दैट फिट इनटू द शेप ऑफ द रिएक्शन. यानी कि एंजाइम का एक स्पेसिफिक शेप होता है जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, आप जानते हैं कि ये इसका बेसिक नेचर प्रोटीन होता है और ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा. और ये क्या कहते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, ये 100 से 1000 गुना फास्टर देन द करस्पॉन्डिंग अनकैटालाइज्ड रिएक्शन. स्पेसिफिसिटी, हाई स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी इंक्रीजिंग विद द वन और फ्यू स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड कैटालाइज ओनली वन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन. माइल्ड रिएक्शन कंडीशन, इनका जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड. फिजियोलॉजिकल पीयर, एम्बियंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करते हैं. केमिकल कंपोजिशन, सिंपल एंजाइम, सिंपल प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं. तीसरा होल एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, क्या कहलाता है, होल एंजाइम. होल एंजाइम, सम एंजाइम रिक्वायर मॉलिक्यूल अदर देन द प्रोटीन फॉर एंजाइमिक. एंजाइम सिंपल होते हैं, सिंपल जो अकेले ही काम करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम अपने रिएक्शन करने के लिए दूसरे अदर देन प्रोटीन मटेरियल की आवश्यकता होता है उसकी एक्टिविटी के लिए, तो वो एंजाइम कहलाते हैं होल एंजाइम. द टर्म होल एंजाइम रिफर टू द एक्टिव साइट विद द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट. द टर्म एपो एंजाइम इज इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट. इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज मेटल आयन सच एज जिंक, आयरन, इट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर. इट इज द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज ए कोएंजाइम. क्लासिफिकेशन, सिक्स या सेवन टाइप के एंजाइम होते हैं. पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफ्रेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमेरेज, लाइजेस एंड ट्रांसलोकेजेस. तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, टाइप ऑफ एंजाइम हो गया. एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू द सिक्स बेस्ड ऑन द रिएक्शन दे आर कैटालाइज. दीज सिक्स टाइप ऑफ एंजाइम आर एज फॉलोज. ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं. द एंजाइम दैट हेल्प इन द कैटालिसिस ऑफ द दोज रिएक्शन
दैट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफरेज क्या करते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या करते हैं, द एंजाइम दैट हेल्प इन द कैटालिसिस ऑफ द बाय द हाइड्रोलाइसिस दैट द एडिशन ऑफ वाटर टू ब्रेक इन टू द बॉन्ड आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. लाइएसिस द एंजाइम दैट हेल्प इन द कैटालिसिस बाय द एडिशन ऑफ वाटर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड लाइएसिस. आइसोमेरेज द एंजाइम दैट हेल्प इन द कैटालिसिस ऑफ दोज रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमेरेज. लाइएसिस द एंजाइम दैट हेल्प इन द कैटालिसिस ऑफ दोज रिएक्शन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन आर कॉल्ड लाइएसिस. इसी तरह से एंजाइम का काम ऑक्सीडेशन करना, रिडक्शन करना, हाइड्रोलिसिस करना, बॉन्ड को ब्रेक करना, बॉन्ड को बनाना, आइसोमेराइजेशन करना, ये सारे काम क्या कौन करता है, एंजाइम करता है. फंक्शन ऑफ एंजाइम जो कि फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करता है. दैट इज इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्राइड आयन. द कॉमन नेम ऑफ यूज फॉर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज आर रिडक्टेज. ट्रांसफरेज क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करता है. कैटलाइज द रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अकर इन द वन मॉलिक्यूल कॉल्ड डोनर एंड अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्सेप्टर. एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेज इज हेक्सोकाइनेज दैट यूज इन द ग्लाइकोलिसिस. द हाइड्रोलिसिस एंजाइम इज यूज इन द रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस. इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. द हाइड्रोलिसिस रिमूवल ऑफ द ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट अलोंग विद द शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्सेप्टर कंपाउंड टेक्स प्लेस. व्हेन द एंजाइम हाइड्रोलिसिस एंजाइम ए रिएक्शन विल पेप्टाइड्स एंड एस्टर. इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस इन काइमोट्रिप्सिन लाइएसेस कैटालाइज द रिएक्शन दोज रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड विच हेल्प इन द फंक्शनल ग्रुप. रिएक्शन इन विच द फंक्शनल ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू डबल बॉन्ड आर ऑल्सो कैटालाइज बाई द दीज रिएक्शन. द एंजाइम आइसोमेरेज कैटालाइजेस दोज रिएक्शंस इन विच द फंक्शनल ग्रुप आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पोजिशन टू एन अदर टू फॉर्म आइसोमेरिक फॉर्म. स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम. लाइएसेस आर इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस ऑफ दोज रिएक्शन इन विच टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर लाइगेटेड टू फॉर्म सी 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 एन एन सी एस आर सी ओ बॉन्ड. ये जो एंजाइम है लॉक एंड की मॉडल की तरह काम करते हैं, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम में फिट होता है, एंजाइम स्टेबल रहता है और सबस्ट्रेट आके उसमें फिट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. दैट इज द सबस्ट्रेट इज लिटिल ए की हूज शेप इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंजाइम विच इज सपोज टू बी लॉक एंड की मॉडल. इसमें एंजाइम जो है लॉक की तरह काम करता है और सबस्ट्रेट जो है की तरह काम करता है और एंजाइम में सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है. तो ये मॉडल जो कहलाता है लॉक एंड की मॉडल है. और इसमें क्या होता है ये देखिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है. एंजाइम आके सबस्ट्रेट में फिट होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है. उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट जो है सेपरेट आउट हो जाता है और आपका एंजाइम एज सच बाहर निकल आता है. इंड्यूस्ड फिट मॉडल में ये 1959 में कोसलैंड सजेस्ट द मॉडिफिकेशन टू द लॉक एंड की हाइपोथेसिस which is known as induced fit hypothesis, working from evidence that suggests
that some enzyme are their active site are more flexible. इन्होंने कहा है कि enzyme की जो active site flexible होती है वो substrate की तरह substrate के according बदल जाती है और substrate आके उसमें fit हो जाता है. इस तरह से fit होने के बाद reaction देता है enzyme और substrate अलग हो जाता है. ये model हमारा induced feed model कहलाता है. और enzyme work कैसे करता है? Enzyme क्या है? अपनी activation energy को कम कर देता है. Simple reaction में इतनी energy चाहिए लेकिन अगर enzyme के presence में होगी तो energy यहाँ से इतनी आ गई यानी कि इस एनर्जी में हमारी रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो क्या है एंजाइम? हमारे किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है. थैंक यू.